बिहार के वशिष्ठ नारायण सिंह हाल ही में इस महान गणितज्ञ का निधन हो गया और अब उनके जीवन पर बायोपिक बनाने की घोषणा की गई है, ताकि फिल्म के जरिए सभी लोग बिहार के वसंतपुर गांव में जन्म लेने वाले वशिष्ठ बाबू की अद्भुत कहानी को जान सकें। ये जान सके कि अंतरिक्ष एजेंसी नासा में अपोलो की लॉन्चिंग के समय जब 31 कंप्यूटर कुछ समय के लिए बंद हो गए थे, तब वशिष्ठ बाबू हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे बल्कि पेन पेपर लेकर हिसाब निकालने लगे। और जब लाइट आई तो पता चला कि वशिष्ठ बाबू और कंप्यूटर का कैलकुलेशन एक ही था। ये भी जान सके कि वशिष्ठ बाबू ने ही पहली बार आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को चुनौती दी थी। आपको बता दें कि वशिष्ठ बाबू पर बनने वाले इस फिल्म को नीरज पाठक डायरेक्ट करेंगे। उन्होंने पटना में कहा कि फिल्म में कास्टिंग के लिए अक्षय कुमार, आमिर खान और अभिषेक बच्चन से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि इस फिल्म को फरहान अख्तर का प्रोडक्शन हाउस एक्सेल एंटरटेनमेंट प्रोड्यूस करेगा। नीरज ने कहा कि जब मैंने वशिष्ठ बाबू की कहानी फरहान अख्तर को सुनाई तो उनकी आँखें नम हो गई और वो 5 से 7 मिनट तक एकदम साइलेंट हो गए। इसके बाद उन्होंने कहा, लेट्स डू इट, हम मूवी बनाते हैं। नीरज पाठक ने कहा कि वशिष्ठ नारायण सिंह के बारे में जब मैंने पढ़ा तो उनसे मिलने गया। जब उनसे पहली बार मिला तब उन्होंने सबसे पहले मुझे पूछा, बउआ कुछ खाएगा? उस समय वो सेंस में नहीं थे। इसके बाद जब उनके घर गया तब देखा कि उनके घर में नेम प्लेट नहीं बल्कि उनके घर की दीवारों पर गणित के फॉर्मूले लिखे हुए थे। ये देखकर मुझे पता चला कि ये वशिष्ठ नारायण सिंह का घर है। इसके बाद मुझे ऐसा लगा कि वशिष्ठ नारायण सिंह की अद्भुत कहानी दुनिया के सामने आनी चाहिए। नीरज ने बताया कि मैं इस पर 2 सालों से काम कर रहा हूँ। मैं 8 से 10 बार वशिष्ठ नारायण से मिल चुका हूँ। उन्होंने बताया कि फिल्म की शूटिंग बिहार, उनके गाँव वसंतपुर के अलावा कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में होगी। नासा में भी परमिशन के लिए बात की गई है। परमिशन मिल गई तो नासा में भी शूटिंग होगी, नहीं तो सेट क्रिएट किया जाएगा। फिल्म की शूटिंग इसी साल शुरू हो जाएगी और 6 महीने में इसे पूरा कर लिया जाएगा। नीरज ने कहा कि फिल्म में वशिष्ठ नारायण सिंह के कैरेक्टर को हम दिखाएंगे, ये दिखाएंगे कि उनका देश के प्रति प्रेम, उनका परिवार के प्रति प्रेम और वे शिक्षा को किस नज़र से देखते थे। उनके किसी पहलू को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि फिल्म में और भी बहुत कुछ होंगे। नीरज पाठक ने आगे कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि ये फिल्म वो उनके जीते जी शुरू नहीं कर पाए। अब ये फिल्म उनके लिए एक श्रद्धांजलि के तौर पर हो सकती है। उनका जीवन बेहद उतार चढ़ाव भरा रहा और हर कोई उनकी ज़िंदगी की कहानी जानना चाहता है। वशिष्ठ नारायण सिंह के परिवार ने उनकी बायोपिक बनाए जाने पर खुशी जाहिर की है। उनकी माने तो आने वाली पीढ़ी के लिए वशिष्ठ नारायण सिंह को जानने के लिए इससे बेहतर माध्यम और कुछ नहीं हो सकता है। वशिष्ठ बाबू के भाई हरिश्चंद्र सिंह ने उम्मीद जताई है कि बायोपिक में वशिष्ठ बाबू के जीवन में उन पहलुओं को प्रमुखता से शामिल किया जा सकेगा जिससे लोग अब तक अनजान हैं। आपको बता दें कि महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह बिहार के वसंतपुर गांव के रहने वाले हैं। पटना से उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई की, फिर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पीएचडी पूरी की। इसके बाद नासा में भी काम किया। फिर वो अपने देश लौट आए, शादी हुई और फिर वो एक बीमारी की चपेट में आ गए। वो कई सालों से मानसिक बीमारी सिज़ोफ्रेनिया से जूझ रहे थे, लेकिन 4 नवंबर 2019 में उनकी पटना के पीएमसीएच में निधन हो गई। मौत के बाद अस्पताल की लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आई थी। नीतीश सरकार की खूब बदनामी भी हुई थी। लोग कहने लगे कि कैसे भारत ने इस महान गणितज्ञ को भुला दिया। अब फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ है तो उनका नाम एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया है। अब उम्मीद की जा रही है कि इस फिल्म के जरिए लोग इस महान गणितज्ञ के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द जेड प्लस को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हों तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। शुक्रिया।